फ्री रेसिपीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चोको पिस्ता मिठाई बनाने की विधि दिखा रहे हैं। चोको पिस्ता मिठाई बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: आधा कप पिस्ता पाउडर, बनाने के लिए आवश्यक पिस्ता, चीनी पाउडर, बनाने के लिए आवश्यक चीनी, इलायची पाउडर, खोए सूखे दूध, कोको पाउडर, घी या मक्खन, ग्रीन फूड रंग, गुलाब सार। मिक्सर में शक्कर छोड़ दें और इसे अच्छी तरह से पीस कर शक्कर पाउडर बनाएं। मिक्सर में पिस्ता ड्रॉप करें और पिस्ता पाउडर बनाने के लिए अच्छी तरह पीस लें। एक पैन लें, इसमें खोया और चीनी पाउडर मिला लें। कम लो पर 15 मिनट तक कुक करें और कुछ समय इसे चलाएं। बंद कर और इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। फिर मिश्रण को दो समान भागों में विभाजित करें। अब मिश्रण के एक हिस्से में पिस्ता पाउडर, इलायची पाउडर, ग्रीन फूड रंग और गुलाब सार जोड़ें। एक कटोरी में मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर रखें। अब एक कटोरा ले और खोया चीनी के मिश्रण के दूसरे भाग में कोको पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाएं और मिश्रण को एक और प्लेट में रखें। चॉकलेट मिश्रण का एक रोल बनाकर और उसे एक तरफ छोड़ दें। अब एक प्लास्टिक शीट ले, उस पर कुछ घी लगा ले। उस पर हरी मिश्रण छोड़ दें और इसे दबाकर फैलाएं। अब चॉकलेट रोल लें और इसे दबाए हरे मिश्रण के ऊपर रखकर और इसे फिर से रोल करें। एक प्लेट में रोल लें और इसे जितना चाहें उतनी टुकड़ों में काट लें। प्लेट में सभी टुकड़ों को इकट्ठा करें और फिर एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल दें। इसे परोस दें या स्टोर करें। इस त्योहार अपने घर में बनी मिठाई का आनंद लें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।